तो फॉक्सब्रो एक लैंग्वेज है जिसको आप लोग जानते होंगे। तो इस क्लास में हम लोग जानेंगे क्या चीज, एक प्रोग्राम के बारे में, जो कि हम इसमें प्रोग्राम लिखते कैसे हैं। तो यहाँ पे हमने जो है बहुत सारा प्रोग्राम लिखा हुआ है, जिसमें से फर्स्ट प्रोग्राम कौन सा है, ई राइट ए प्रोग्राम। यहाँ पे राइट ए प्रोग्राम टू इनपुट टू नंबर्स एंड प्रिंट सम, यानी क्या करना है आपको, फॉक्स प्रो में मतलब एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें आपको दो नंबर इंटर करना है, ठीक है, वो नंबर कोई भी हो सकता है, तो दो नंबर इंटर करना है और उसका सम आपको मतलब रिजल्ट में आना चाहिए। तो सबसे पहले हम फॉक्स प्रो को क्या करते हैं, ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे ये लेटेस्ट वर्जन है, ओपन कर लिए। अब बताते हैं, जब भी आप ओपन कीजिएगा तो ये उसका वर्किंग एरिया आता है, ये आपका कमांड प्रॉम्प्ट आता है। तो इसमें आपको सबसे पहले एक कमांड लिखना होता है, मोदी, यानी कि मॉडिफिकेशन होता है, केवल MODI लिख के मतलब स्पेस दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, मॉडिफाई आ जाएगा। उसके बाद में COMM स्पेस, अब जिस भी नाम से आपको सेव करना है वो नाम डाल लीजिए, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए कि हम यहाँ पे क्या डाल लें, कुछ भी डाल सकते हैं, A1 डाल लेते हैं, उसके बाद में इंटर करते हैं। तो आपका यहाँ पे एक और जो है मतलब ये बॉक्स, डायलॉग बॉक्स आपका ओपन हो जाएगा, जिसमें आपको जो है वो कमांड लिखना है, जो आपका प्रोग्राम कह रहा है उसको क्या करना है, लिखना है। तो जैसे कि हमारा कह रहा है कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है जिसमें दो नंबर इंटर होना चाहिए, तो फर्स्ट आपको लिखते हैं क्या चीज, से टाल्क ऑफ, ठीक है, लिखने बाद में इंटर करेंगे, हमारा जो है नेक्स्ट लाइन आ जाएगा जिसमें हमको क्या करना है, क्लियर डालना है। क्लियर इसलिए डालेंगे ताकि जो भी हमारा प्रोग्राम जब हम कैलकुलेट करें तो जो रिजल्ट आए, फिर दोबारा अगर हम उस प्रोग्राम को रन कराना चाहते हैं तो क्या होगा, ये जो है पिछला जो प्रोग्राम है वो क्या हो, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब इतना करने के बाद में आपको क्या हो जाएगा, यहाँ पे हमको इनपुट कराना है, क्या चीज़ इनपुट करना है, इनपुट जो है आपको डबल कोटेशन में इनपुट कराना है, क्या इंटर द फर्स्ट नंबर, ठीक है। और यहां से आप इसको क्या कर सकते हैं, डबल कोटेशन बंद कीजिए और यहां से लिखिए टू, क्या चीज इंटर करना चाहते हैं, जो भी आप जो है फर्स्ट नंबर इंटर करना चाहते हैं उसको डिनोट करना पड़ेगा, ठीक है। आप यहाँ पे कोई भी मतलब डिजिट ले ले सकते हैं, वर्ड ले सकते हैं, जैसे कि मैं ए ले लेता हूँ जैसे फर्स्ट नंबर के लिए, उसके बाद में इंटर करेंगे, फिर यहाँ से आएगा इनपुट, सेम लाइन आपको लिखना है, इंटर द सेकेंड नंबर, इसके लिए आप क्या डिनोट करना चाहते हैं, टू हम ले लेते हैं बी, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, फर्स्ट नंबर के लिए हमने ए को वेरिएबल बनाया और सेकेंड के लिए क्या किया, बी को वेरिएबल बनाया। इसमें होता क्या है कि कहीं कहीं आप प्रोग्राम देखिएगा तो उसमें ए बराबर 0 भी लिखा रहता है, ठीक है, यानी कि ए को वेरिएबल बनाते हैं 0 से, और बी जो भी मतलब डिजिट लेते हैं उसको भी वेरिएबल बनाता है, तो वो भी सही है, और इस तरह भी आपका प्रोग्राम जो है सही हो जाएगा, बस आपको रन होना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, दोनों का सम निकालना है, यानी कि SUM सम इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ठीक है। सिंपली हमने इसको बता दिया कि हमको क्या करना है, दोनों डिजिट को जोड़ना है। उसके बाद में आपको क्या करना है, इतना तो आपने अभी तक उसको बताया, बस आपको रिजल्ट क्या चाहिए, तो रिजल्ट के लिए वार्ड का चिन्ह लगाइए, ठीक है, और डबल कोटेशन में आपको लिखना है क्या चीज़, हमको जोड़ना है या घटाना है, जो भी करना है उसको आप लिख सकते हैं। तो फिलहाल मैं यहाँ से एडिशन लिख देता हूँ, ठीक है। एडिशन लिखने के बाद में यहाँ पे थोड़ा सा गैप देते हैं, ये हमने क्या किया, डबल कोटेशन से बंद किया, उसके बाद में एडिशन के लिए हमने क्या यूज किया है, यहाँ पे कोमा दीजिए और यहाँ पे सम का यूज किया है, यानी कि सम यहाँ पे हमने लिखा है एडिशन के लिए ये लाइन में, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब इतना प्रोग्राम लिखने के बाद में आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ में W प्रेस करना है, क्योंकि हमारा जो भी प्रोग्राम होता है फॉक्स प्रो में, तो
कंट्रोल प्लस डब्ल्यू से क्या होता है, सेव होता है। अब यहां से हम क्या करना है, इसको देखना चाहते हैं इस रिजल्ट को, तो सिंपली हमको एक कमांड चलाना होगा, इसमें कमांड में डी ओ डू और जिस भी नाम से हमने सेव किया है कमांड से, जैसे ए वन से सेव किया है तो ए वन चला के इंटर कर दिए। देखिए यहाँ पे जो है हमारा क्या हुआ, ये देख सकते हैं यहाँ पे आ गया इंटर द फर्स्ट नंबर जो हमने इंटर किया था। अब क्या करते हैं, यहाँ पे फर्स्ट नंबर कुछ भी ले सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे 50 लेते हैं, इंटर करते हैं। अब कह रहे हैं इंटर द सेकेंड नंबर, तो सेकेंड नंबर जो भी हमने डिनोट किया है, जो मतलब जितना भी एड करना हो इंटर करेंगे, रिजल्ट हमारा आ गया एडिशन में, ठीक है। अब इसमें क्या हो जाएगा, फिर आपको जो है नेक्स्ट दूसरा प्रोग्राम लिखना है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हैं, एस्केप की कीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे आ गया, फिर वहीं डू और यहाँ पे जाइए, फिर से वो इंटर कीजिए, फिर से आपका बोर्ड जो है क्लियर हो गया। यहाँ से जैसे मान लीजिए कि आपको अगर माइनस में भी करना है तो माइनस 20 कर देते हैं, उसके बाद में माइनस 40 कर देते हैं, तो यहाँ से देखिए माइनस 60 आपका रिजल्ट जो है शो कर दिया। फिर अगर देखना हो तो इसको फिर से डू में जाइए, इंटर कीजिए, आपको क्या कीजिए 50 में कर दिया, उसके बाद में माइनस यहाँ से कितना 60 कर दिया, देखिए माइनस 10 यहाँ पे दिखा दिया। तो इस तरह जो है आप जो है किसी भी प्रोग्राम को आसानी से लिख के बना सकते हैं, और इससे बाहर निकलना हो तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, क्विट कर सकते हैं, तब जाके ये क्लोज होगा। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा।